बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के हथियारबा गांव में मंगलवार की देर रात एक घर में आग लग गई। आग में घर में रखा बिस्तर, तकिया और अन्य चीज जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घर में सो रही महिला ममता देवी की नींद खुल गई और आग का एहसास होते ही छोटे बच्चे को लेकर वह घर से निकलकर हल्ला करने लगी। इतने में ग्रामीण जुट गए और सामूहिक प्रयास कर आग पर काबू कर लिए। प्रीत ने बताया कि अगर थोड़ी देर होती तो जान बच पाना मुश्किल था। उधर पीड़ित ममता देवी ने इस संबंध में बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर ग्रामीण हर किशोर राउत, नवल किशोर राउत, श्याम राउत, शंभू राउत, स्नेही राउत सहित 6 लोगों पर जलाकर मार देने की मंशा से आग लगा देने का आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उक्त रात्रि के करीब 12:30 बजे कुछ आहट हुआ तो देखा कि उक्त नामजद लोग घर में आग लगा रहे हैं। हल्ला किया तो नामजद लोग भाग गए, फिर ग्रामीण जुटे और आग पर काबू पाया जा सका। पीड़िता ने बेनीपट्टी थाना पुलिस से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वैसे एक दिन पहले हम जाते रही पुपड़ी तो मतलब सब बाप बेटा मतलब बाय गुरमेंटी करते रहे चाहे अपना घर में आग लगा दे भाई हम तलवार फांसो अथी लेके भाला लेके घर जाए मारे के लिए घर जे छार जाए चाहे तो भाला लेके भोंके बच्चे के चन्ना छार बनावे नहीं घर बनावे दई या कुछ करे दई जान सब अबई तो ओकरा सब कह जे तू जे बा घर बनावे तो सब गोली मार देबो गोली मार देबो हम तो कोनो जाम में ना हुलबुल हुलबुल करे समझलखिन त हम सब नहीं बात के गौर के लिए हम सब खाना पीना खा के हम सब सुते चल गेलिए सुते चल गए तो हमरा सबके नहीं पता रहे 12 बजे रात में मतलब वो की कैलक उतने का पोरा लेके आए ला है और वही कत की साइड से धके आ तब के बाद की कैलक से सलाई मारलक ना तो खूब धिधोरा भी लय हमरा सबके एकदम धाज लागल ना वही घर में साइड में सुतल रहे जे मतलब कि धार लागल तो हमर जो हस्बैंड जो रहे से उनका अथी भेल धार लगल तो हमरा कहल कि देखिए कथी भेल तो हम निकल ली बेटा के लेके हम निकलल तो हमरा सास सबके हल्ला कैलक देखलक तो मतलब कि एगो साइड रहे ईटा के जगह एगो वैसे सलाई माचिस मारत नहीं देखली हम सब क्या बजे की घटना छे 12:30 बजे 12:30 बजे रात के हाँ तो उनका हमरे हस्बैंड हमरे सासू माँ सबके हल्ला करे लगलखिन और एक भागला नहीं से ईटा जे एकदम भरभरा के गिरल तो हम सब नहीं पकड़ पैली हम बच्चा के ले रही अपने सब फिर हल्ला करे लगलखिन छत पर से सब हल्ला कलखिन तो सब अलखिन बुताबे अलखिन हमारे दिया सब जो अलग ना तो बुता गए आगे। वहीं इस घटना के आलोक में थाने में दिए गए आवेदन के आलोक में आरोपी पक्ष का क्या कुछ कहना है सुनिए। हमारी जमीन है हमारे में घर बलजोरी बना दिया है और ये अपने से लगाकर ये हम लोग के फंसाने की कोशिश में किया और हमारे सब कागज भी सब ओके है डिग्री है नापी जोखी भी हो गया है ये सब हो गया है सर। ये आरोप जो ममता देवी लगा रही है वो क्या है? वो सर गलत है वो सब गलत है वो सब नहीं हम लोग को वो अपने से लगाया होगा वो फंसाने के लिए वो जमीनी विवाद में ये सब किया है।